भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ओपीएस की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पूर्व सांसद व हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजन सुशांत का आज धरने पर 28वां दिन है और आज 7 बजे से वो 24 घंटे के लिए उपवास पर बैठ गए और साथ ही सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए भगवती जागरण का आयोजन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि धरने पर बैठे उन्हें 28 दिन हो गए हैं, न प्रशासन न ही सरकार द्वारा उनकी सद्बुद्धि ली गई। उन्होंने बताया ये धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगे मान नहीं ली जाती। उसकी जगह लगभग पेंशन विहीन कर दिए गए हैं, तो ओपीएस बहाल करने के लिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी आप करें। जब तक ये पूरी होगी नहीं तब तक ये धरना हटेगा नहीं, और भी साथ में बड़ी मांगें हैं। मैंने देखा एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीन दिन गुजरा, मैं विद्यार्थी जीवन से निरंतर संघर्ष करता आया हूँ। पहले विद्यार्थियों की मांगों के लिए करते थे, बाद में जब राजनीति में आया तो जनता के लिए करता था, लेकिन ऐसी असंवेदनशील और मैं कह सकता हूँ कि जिसको कोई शर्म ही नहीं बची है, ऐसी ये पहली सरकार है देश के इतिहास में कि 28 दिन से धरना चल रहा हो और उनका ना तो कोई मंत्री, ना कोई अधिकारी, ना शासन, ना प्रशासन पूछने तक नहीं आया। इस दौरान तूफान भी आए हैं, हमारे सामान्य उड़े भी हैं, हमारी जो टीम निरंतर यहाँ बैठती है वो काफ़ी कठिनाइयों में भी रही, लेकिन उन सबको मैं दाद देता हूँ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। तो मैंने समझा कि शायद धरने का अंतर असर नहीं पड़ रहा है, तो मेरे मन में विचार आया कि नवरात्रों के दिन हैं, देवी दुर्गा की सारा देश पूजा कर रहा है, सारा संसार पूजा कर रहा है, तो इसके साथ हम भी माँ भक्ति से प्रार्थना करें, शायद वही उनको सद्बुद्धि दे। इसलिए हमने तय किया कि आज षष्ठमी है और सुबह 7 बजे से लेकर हमारी सारी टीम 24 घंटे के उपवास पर है। मेरे साथ एनपीएस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया जी भी हैं, उपाध्यक्ष मास्टर सदारी लाल जी भी हैं, बहुत से कर्मचारियों के परिवार भी आए हैं और मेरी टीम भी। आज हम सुबह 7 बजे से लेकर बैठे हैं, कल सुबह 7 बजे तक है। हम यहाँ पर भक्ति का जागरण भी कर रहे हैं और यहाँ पर भक्ति को प्रसन्न करने के लिए, आराधना करने के लिए निरंतर यहाँ पर कलाकार और हम सब लोग बैठे हैं, गुणगान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद देवी भक्ति ही उनको कोई सद्बुद्धि दे, नहीं तो रिकॉर्ड है इस इतिहास का, जब जब भी किसी का अंत आता है तो अहंकार उनके सिर पर चढ़ जाता है, चाहे वो रावण हो चाहे कंस हो, ऐसा ही अहंकार यहाँ भी देखने को मुझे मिल रहा है। शायद जो सत्ता में आ गए हैं वो सोचते हैं अमर हो गए हैं, शायद अब हमने कभी जनता में जाना ही नहीं है, जनता की परवाह नहीं है, और इस तरह से जिस तक उन्होंने परिचय दिया 28 दिनों में उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और एक और जो बखलाहट के अंदर, जैसे धैर्य ने कहा, उन्होंने एक और तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, सरकार के कहने पर हायर एजुकेशन के डायरेक्टर उन्होंने एक लेटर जारी किया है और वो लेटर जारी किया है प्रदेश के सारे डिप्टी डायरेक्टर्स को, प्रदेश के सारे प्रिंसिपल्स को, प्रदेश के सारे हेडमास्टर्स को। अभी मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि कोई भी अगर अध्यापक, शिक्षक या कर्मचारी सरकार के किसी निर्णय का विरोध करेगा
कोई स्टेटमेंट जारी करेगा या कोई एक्शन करेगा तो उसके खिलाफ सेंट्रल सर्विस रूल 1965 के तहत कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, अर्थात उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो मेरे लिए तो नई बात नहीं है, मैंने बहुत बार ये स्थितियाँ देखी हैं। सबसे बड़ी स्थिति देखी थी हमने 1974 और 75 के आंदोलन में, जब इस देश में दुनिया की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस समय भी ऐसी समस्याएं देश में आई थी, आंदोलन हुए थे, तो उन्होंने बौखलाहट में एमरजेंसी लगाया था। तो आज हिमाचल प्रदेश में ये लेटर जो निकला है, मैं समझता हूँ अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी की घोषणा हुई है, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश है। मैं मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देता हूँ, मुख्यमंत्री जी, राजन सुशांत और उनकी टीम आपके तुगलकी फरमानों से डरने वाली नहीं है। आपने इससे आगे भी बढ़ना है तो बढ़ जाइए, आपको भुगतना होगा। थोड़ा सा भी राजनीतिक विवेक होता तो आप प्रदेश के कर्मचारियों का और जनता का मूड देख लेते। जो अभी अभी 4 नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, सोलन और पालमपुर में आपका सुपड़ा साफ हो गया है, केवल एक मंडी आई है, वो भी अलग कारणों से आई है, धर्मशाला में हमने जबरदस्ती बनाया है। अगर अभी समझ नहीं आई है तो देश की, प्रदेश की जनता 2 महीने के अंदर जो फतेहपुर का उपचुनाव आ रहा है और मंडी का चुनाव आ रहा है उसमें समझा देगी, और निश्चित तौर पर अगले चुनाव में आपको समझ आ जाएगा कि जनता क्या होती है। अरे जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये विधायक, ये मंत्री, मुख्यमंत्री, ये नेता जनता के सेवक हैं। आप मालिक बन बैठे, जनता बाजार में चौराहे पर चीख चीख के अपनी मांगे रख रही है, लेकिन आप पर असर नहीं हो रहा है। आपका जो अमला फैला आपके आसपास है वो आपको समझने नहीं दे रहा है। और मैं कह सकता हूँ, या तो आपके पास विवेक है नहीं, अगर है तो उसका आप इस्तेमाल घमंड की वजह से नहीं कर रहे हैं, दोनों स्थितियाँ चिंताजनक हैं। मैंने कई बार कहा है, अगर आपको फाइनेंस सेक्रेटरी और आपके उच्च अधिकारी ये नहीं बता पा रहे हैं कि 1,00,000 कर्मचारियों को OPS कैसे देनी है, NPS वालों को कहाँ से पैसा आएगा, तो आप अपनी ईगो छोड़ करके जब रास्ता नज़र ना आए तो कहीं से रास्ता मिलता तो वहाँ जाना चाहिए। मैं आज आपको अपील कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ, अगर आपको रास्ता नहीं सूझता है तो आप अपने मंत्रिमंडल और फाइनेंस सेक्रेटरी और सारे अधिकारियों को लेकर मेरे पास धरने। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।